फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर हड़पी आदिवासियों की जमीन, करोड़ों का लिया मुआवजा। सत्यापन समिति ने पाया संदिग्ध और फर्जी, चार फर्जी जाति प्रमाण पत्र निलंबित। अब फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे लिए गए लाभ की होगी वसूली और होगी दंडात्मक कार्यवाही। कोरबा जिले में पिछले 15 साल पहले फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। 2 साल पहले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी दिलीप मिरी द्वारा 23 लोगों के नामजद शिकायत करते हुए जाति प्रमाण पत्र जांच करने हेतु आवेदन दिया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने वाले 23 लोग दीपका स्थित एसीबी कंपनी के वर्कर हैं। इन वर्करों के नाम फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे आदिवासियों की जमीन खरीदी गई और रेल कॉरिडोर में कई करोड़ रुपए मुआवजा भी वसूल कर लिए। वहीं सैकड़ों एकड़ जमीन आदिवासियों के नाम से खरीदकर एसीबी कंपनी द्वारा उसका कमर्शियल यूज किया जा रहा है। 2 साल पहले हुई शिकायत पर जिला स्तरीय जांच समिति ने अभी तक जांच में 4 लोगों की जाति प्रमाण पत्र को फर्जी पाया है। वहीं 19 लोगों की जांच अभी जारी है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि फर्जी पाए गए 4 आरोपियों के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है। वहीं अब आरोपियों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, साथ ही फर्जी दस्तावेज के आधार पर लिए गए लाभ की वसूली भी की जाएगी, क्योंकि ये 165(6) के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसमें कड़ी कार्यवाही का प्रावधान है। वहीं बाकी बचे लोगों के प्रमाण पत्र की जांच भी जल्द से जल्द जांच समिति द्वारा कर ली जाएगी। अब जबकि 23 लोगों में से 4 लोगों की जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए और जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है, तो शिकायतकर्ता छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश महामंत्री दिलीप मिरी द्वारा पुनः शिकायत पत्र कोरबा कलेक्टर एवं एसपी को सौंपते हुए दोषियों पर जल्द से जल्द एफआईआर करने की मांग की है। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले एसडीएम व तहसीलदार सहित पटवारी के ऊपर भी कार्यवाही की मांग की गई है। कोरबा से प्रीतम जायसवाल की रिपोर्ट। अपने न्यायालय में जो जिला स्तरीय सत्यापन समिति है उसमें 23 लोगों के जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें से कि 4 का रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो जिला स्तरीय सत्यापन समिति है उसने उसको संदिग्ध और फर्जी पाया है, जिसके आधार पर जो एसडीओ रेवेन्यू जो अनुभागीय अधिकारी राजस्व होते हैं, जो जारीकर्ता अधिकारी होते हैं, उन्होंने उसको प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया है। शेष जो प्रमाण पत्र हैं उनके अभी सत्यापन समिति के समक्ष है और सत्यापन समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसका उसमें शेष आवेदनों में कार्रवाई होगी। लेकिन जिनमें सत्यापन के पश्चात फर्जी पाए गए हैं, दस्तावेज जो है गलत पाए गए हैं, उसमें उनके जो लाभ लिया गया है उस दस्तावेज के आधार पर उस लाभ को हम लोग लाभ को वापस करने के लिए और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। 165(6) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, उसमें एसडीएम के द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई प्रचलनशील है।